हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक रेंज। तो लास्ट क्लास में हमने एक मेथड देखा था यूजिंग बेसिक मैनिपुलेशन, आज हम दूसरा मेथड देखते हैं। तो ये जो मेथड है अभी जो मैं दिखा रहा हूँ, दैट इज फॉर कंपोजिट फंक्शन। तो इधर लिख लो, रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है। अच्छा, कंपोजिट मैंने तुम्हें पहले बताया, कंपोजिट क्या होता है? फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। जैसे मैंने लिखा साइन ऑफ कॉस एक्स, दिस इज व्हाट माय कंपोजिट फंक्शन f(g)x, दिस इज माय कंपोजिट फंक्शन f(g)x। ठीक है ना, जिधर मेरा fx क्या है साइन एक्स और gx क्या है कॉस एक्स। तो अब हम इस टाइप के क्वेश्चंस का रेंज निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं, रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन, और इधर लिख लिया लेट्स से f(g)x। मेरे को f(g)x का रेंज निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सुनना ध्यान से। सबसे पहले हम gx का रेंज निकालेंगे। लेट्स से मैंने क्या बोलूंगा, फर्स्ट फाइंड रेंज ऑफ g(x)। क्या किया हमने, पहले gx का रेंज निकाला। लेट्स से वो हमारा आया, लेट्स से इट इज l। मैंने मान लिया उसका नंबर, मान लिया लेट्स से l आया मेरा, है ना। एल कुछ तो होगा, लेट से 2 से 3 या कुछ इंटरवल होगा। ठीक है, उसको मैंने एल बोल दिया। क्या बोला, पहले मैं जी एक्स का रेंज निकालूंगा, उसको एल बोलूंगा। अब जो एल जो है ना, वो क्या करेगा, एफ के लिए डोमेन का काम करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, एफ का रेंज निकालेंगे इन दिस इंटरवल एल। क्या बोला मैंने, हम क्या निकालेंगे, एफ का रेंज निकालेंगे नाउ इन दिस इंटरवल एल। वो हमारा क्या हो जाएगा, ओवरऑल एफ ऑफ जी एक्स का रेंज हो जाएगा। तो क्या लिखूं मैं इधर, फर्स्ट फाइंड रेंज ऑफ जी एक्स, लेट से इट इज एल, देन फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इन द इंटरवेल एल, इन द ओपटेन्ड इंटरवेल एल। क्लियर हो बच्चों? एक बार और दोबारा, मैंने क्या बोला, एफ ऑफ जी एक्स में सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो ये पहचानेंगे एफ एक्स क्या है, जी एक्स क्या है। ठीक है, फिर हमारा टारगेट होगा कि एफ एक्स, सॉरी, अंदर वाला जो फंक्शन है दैट इज जी ऑफ एक्स, उसकी रेंज निकालें। अब वो रेंज आ जाएगी, लेट से मैंने लिखा 2 से 3 आई, मान लो इस ये इंटरवल मेरा आया 2 से 3। अब क्या होगा जी, 2 से 3 एफ के लिए डोमेन का काम करेगा। अब मैं क्या करूंगा, एफ का रेंज निकालूंगा इन दिस इंटरवल, वही मेरा एफ ऑफ जी एक्स का रेंज हो जाएगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेता हूं, उससे और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया, देखना, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, लेट्स से दिस इज माय एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो मैं ये लिख लेता हूं पहली बात कि इधर एफ एक्स क्या है मेरा और जी एक्स क्या है। तो बाहर वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स होगा विच इज नथिंग बट साइन एक्स, और मेरा जो जी एक्स होगा दैट विल बी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, रख के देख लो। अब एफ ऑफ जी एक्स निकालोगे तो क्या करोगे, एक्स की जगह तुम जी एक्स लिखोगे, तो इधर आएगा एफ ऑफ जी एक्स, इधर साइन एक्स की जगह फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखोगे तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। क्लियर है, तो दिस इज माई एफ एक्स एंड दिस इज माई जी एक्स। ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्या बोला कि हमें कंपोजिट फंक्शन का रेंज निकालना है, तो सबसे पहले हम जी एक्स का रेंज निकालेंगे। अब जी एक्स जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, तो जो जी एक्स का रेंज होगा, इस चीज का जो रेंज होगा वो क्या होगा हमारा, इसका तो हम ग्राफ भी अच्छे से सीखे हैं, इसका रेंज क्या होता है, 0 क्लोज से 1 ओपन। अब क्या होगा, ये जो इंटरवल है, ये मेरा लेंथ एल है जो मैंने इधर एल माना था, अब मैं ये मेरे लिए डोमेन का काम करेगा साइन एक्स के लिए। फिर मैं देखूंगा साइन एक्स का रेंज क्या आ रहा है फॉर दिस इंटरवल, वो मेरा ओवरऑल एफ ऑफ जी एक्स का रेंज हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, ग्राफिकली किया, तो पहले मैंने साइन एक्स का ग्राफ बना लिया। साइन एक्स इसे रिपीट करता जाएगा, बट मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, जितना जरूरी है उतना बना रहे हैं। अब हमें क्या मतलब है, देखो साइन का जो इधर जो आ रहा है, इधर जो आर्ग्यूमेंट जा रहा है, ये वाला, ये जो इंटरवल, ये जो इनपुट जा रहा है साइन के अंदर, दैट इज 0 to 1। तो हम क्या करेंगे, 0 to 1 के अंदर साइन एक्स का रेंज देखेंगे। तो 0 पे 0 होता है और ये मेरा पाई बाय 2 होता है। अब देखना ध्यान से, अब हमें 1 मार्क करना पड़ेगा, तो 1 क्या होगा, पाई बाय 2 से छोटा होगा, तो 1 इज समथिंग समवेयर हियर। तो मेरा इनपुट क्या है साइन एक्स के लिए, इतना जो मैं डार्क कर रहा हूं अभी, तो इतने रेंज, इतने इनपुट के लिए मेरा आउटपुट क्या आएगा, देखना बच्चों, ये वाला। तो मेरा ग्राफ कौन सा कवर होगा, जो मैं रेड में मार्क कर रहा हूं, दिस वन। इसको मैं लाइट कर देता हूँ, वेट अ मिनट। ठीक है, ये मेरा डैड 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 डैश डैश। तो ग्राफ ने कितना कवर किया, रेंज क्या हो जाएगा हमारा, यहां से यहां तक। ये मेरा 1 है, फंक्शन मेरा साइन एक्स है, तो एक्स की 1 रखूंगा, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे, 0, sin 1। तो ओवरऑल मेरा रेंज क्या हो गया, मेरा रेंज हो गया, देखो मैं लिख रहा हूं इधर ना, आंसर इज 0 क्लोज से, विच इज साइन 0, 0
जब एक्स की जीरो रखा तो साइन जीरो विच इज जीरो, तो जीरो क्लोज से आप देखो इधर वन मेरा ओपन है तो इधर साइन वन पे भी मेरा ओपन आएगा, तो इधर हो जाएगा जीरो से साइन वन। क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आया क्या किया? एक बार और, मैंने क्या किया, सबसे पहले जी एक्स का रेंज निकाला, वो रेंज मेरा आया जीरो क्लोज से वन ओपन, वो मेरा एफ के लिए दैट इज साइन एक्स के लिए डोमेन का काम करेगा, तो इस इंटरवल के लिए मैं साइन एक्स का रेंज देख लूंगा। तो व्हेन आई विल पुट फ्रॉम जीरो टू वन एक्स की वैल्यूज इन साइन एक्स, द आउटपुट विल बी फ्रॉम जीरो क्लोज से साइन ऑफ वन। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब हम और इलस्ट्रेशन देखते हैं कंपोजिट फंक्शन पे। मैं इसको रब कर देता हूं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी, ठीक है ना? ये जो रेंज का कंपोजिट फंक्शन है काफी इंटरेस्टिंग है। अब देखना, मैं एक और इसी का एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने लिखा साइन ऑफ टू टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है, ये मेरा एफ ऑफ जी एक्स है। तो वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है? चलो मैं इसको करता हूं सॉल्व। तो पहले हम पहचानते हैं एफ एक्स क्या है, जी एक्स क्या है। तो बाहर वाला फंक्शन मेरा एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, वो तो पहले वाला ही रहेगा साइन एक्स, और जो मेरा बाहर वाला फंक्शन है दैट इज जी ऑफ एक्स, वो क्या हो जाएगा टू टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। पहले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स था, अब टू टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। तो हम स्टार्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले हम जी एक्स का रेंज निकालते हैं, और जी एक्स का रेंज क्या हो जाएगा, या तो डायरेक्टली लिख दो, बहुत आसान चीज है, क्या लिखेंगे हम, नहीं तो बेसिक से लिखो, क्या लिखेंगे हम, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का रेंज इज जीरो क्लोज से वन ओपन, फिर टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अल्फा से बीटा का रेंज होता है किसी फंक्शन का, अगर उसमें मैं के का मल्टीप्लाई करता हूं और के अगर पॉजिटिव है तो मेरा रेंज क्या हो जाता है, के अल्फा से के बीटा, तो टू टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का रेंज क्या हो जाएगा मेरा, टू इंटू जीरो विच इज जीरो कॉमा टू इंटू वन टू ओपन। तो ये मेरा अब क्या काम करेगा, एल का काम करेगा, ये इनपुट जाएगा साइन एक्स में। तो अब हम साइन एक्स ग्राफ पे जाते हैं। तो देखो जनरली क्या होता है ना, जल्दी जल्दी में बच्चे लोग इसके बाद आंसर क्या देते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस 90% बच्चे लोग, 99% वो आंसर क्या बोलेंगे, जैसे इससे पहले हमने इनपुट जा रहा था जीरो से वन, तो हमने आंसर लिखा था साइन जीरो से साइन वन, ये लिखा था, और साइन जीरो जीरो था, मतलब हमने ये लिखा था ओवरऑल। तो जल्दी जल्दी बच्चे क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे साइन ऑफ जीरो से साइन ऑफ टू विच इज रॉन्ग, मतलब ये जीरो से साइन टू अगर तुम लोगों ने जवाब दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इट इज ओपन है, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है वो देखते हैं हम, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। देखना मैं क्या लिख रहा हूं, पहले साइन एक्स का ग्राफ बना रहा हूं, उससे क्लियर हो जाएगा तुम्हें जो मैंने लिखा है अभी वो गलत क्यों है। तो देखो साइन एक्स का मैं क्या बना रहा हूं, ग्राफ बना रहा हूं, इतना ग्राफ बना रहा हूं कि ये रेंज कवर हो जाए, उससे बाद का ग्राफ मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि यही मेरा इनपुट जाने वाला है साइन एक्स को। तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है? नाउ सी हियर क्लियरली कि ये तो जीरो है मेरा, अब दिस इज पाई बाय टू, मेरा टू कहां आएगा, टू विल बी हियर, तो मेरा एक्स जो है, इसको मैं डैश डैश कर देता हूं, जो मेरा एक्स है दैट इज इनपुट, वो क्या जा रहा है, देखो ध्यान से देखो, ये पार्ट इनपुट मेरा इनपुट जा रहा है फंक्शन में, इतनी एक्स की वैल्यू, तो इसके करस्पॉन्डिंग वाई क्या आएगा मेरा, देखो ग्राफ कितना आएगा, मैं इतना आएगा, देखो ये वाला ग्राफ जो मैं अभी शेड कर रहा हूं करेंटली, यहां तक टू पे भी हमारा ओपन रहेगा, ठीक है? तब सोचो कि मेरा आउटपुट कितना आया, आउटपुट मेरा ये पूरा आ गया, तो ये कितना है जीरो से, और ये हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है वन। तो गलती समझ आई क्या हुई, तुम लोगों ने जवाब जो दिया मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने वो ये दिया, यहां से अगर जो लिखा होगा माइट बी दिस इज साइन टू, जीरो साइन टू रेंज नहीं हुई, रेंज तो पूरी बोलेंगे ना जीरो से बाद, समझ में आया क्या हुआ, क्योंकि उसके बाद कर्व बेंड हो गया है, दोबारा डिक्रीज करने लगा, इसलिए गड़बड़ होता है आंसर, इसलिए हमें प्रॉपर ग्राफिकली देखना पड़ेगा, हम डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि जैसे इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर किसी इनपुट अगर अल्फा से बीटा है किसी फंक्शन एफ एक्स का, तो हम डायरेक्टली रेंज नहीं बोलेंगे एफ अल्फा से एफ बीटा, गलत हो जाएगा। अगर इनपुट ये है फंक्शन एफ एक्स में, तो हम डायरेक्टली रेंज एफ अल्फा से एफ बीटा नहीं बोलेंगे, जैसे मैं इधर बोल रहा हूँ जीरो से टू अगर इनपुट है तो साइन जीरो से साइन टू इनपुट डायरेक्टली नहीं बोलूंगा मैं, वी हैव टू सी इट क्लियरली विद ग्राफ्स। तो इधर हमारा कंक्लूजन क्या निकला, आउटपुट दैट इज रेंज ऑफ फाइनली जो फंक्शन मिला उसका मिला जीरो से वन, एंड वन शुड बी क्लोज बिकॉज वन इज कवर्ड बाय दिस फंक्शन। क्लियर हुआ बच्चों? साइन टू नहीं बोलेंगे, साइन टू फिर तुम्हारी इतनी वैल्यूज छूट जाएंगी ना, इतनी वैल्यूज छूट जाएंगी रेंज में, जीरो से वन सारी वैल्यूज आएंगी। क्लियर है बच्चों? तो क्या सीखा हमने, सबसे पहले हम कंपोजिट फंक्शन में अंदर वाले फंक्शन का रेंज निकालेंगे, वो जो रेंज होगा वो बाहर वाले फंक्शन के लिए इनपुट का काम करेगा, बहुत सिंपल सी चीज है। अब हम कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं।
देखना, अब मैं लिख रहा हूं e की पावर लेट्स से साइन एक्स, बहुत सिंपल सा फंक्शन है e की पावर साइन एक्स। तो अगेन दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन जिसमें मेरा बाहर वाला फंक्शन एफ एक्स क्या होगा, दिस विल बी e की पावर x, और जो जी एक्स एक्स है बाहर वाला फंक्शन वो क्या होगा साइन एक्स। अब तुम वेरीफाई कर लो x के इधर साइन एक्स रखो तो ये आ जाएगा, तो एफ ऑफ जी एक्स इज दिस, तो ये मेरा हो गया एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, अब क्या करूं मैं, पहले जी एक्स का रेंज निकाल लेता हूं, तो अंदर वाला फंक्शन तो इसका रेंज तो बहुत स्टैंडर्ड है विच इज माइनस वन से वन। अब माइनस वन से वन क्या होगा, इनपुट जाएगा e की पावर x को, तो पहले e की पावर x का ग्राफ देख लेते हैं। अच्छा डायरेक्टली मैंने जैसे बोला कि ये इनपुट जाएगा एफ एक्स को, तो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे e की पावर माइनस वन से e की पावर वन आउटपुट, बहुत से केसेस में आएगा। वो कब आएगा वो मैं अभी आगे एक मेथड आएगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड, तब मैं बताऊंगा वो चीज कि अगर फंक्शन कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है तब मैं बोलूंगा एफ अल्फा से एफ बीटा, अभी के लिए नहीं बोलेंगे हम। समझ में आया? तो e की पावर x का ग्राफ बनाया, दिस इज e की पावर x, इनपुट कहां जा रहा है माइनस वन से वन, तो मेरा यहां से यहां तक आउटपुट आएगा, इनपुट मेरा ये है जो मैं शेड कर रहा हूं करेंटली, तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरा ग्राफ क्या आएगा, देखो ग्राफ विल बी दिस थिंग, यहां से यहां तक दिस पार्ट विल बी द ग्राफ, तो इतना पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, इतने पार्ट के लिए वाई एक्सिस ने कितना कवर किया, यहां से लेके यहां तक, दिस विल बी माय रेंज। तो ये माइनस वन है, तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया, फंक्शन में रखा e की पावर माइनस वन, तो वन बाई, ये वन है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये आउटपुट कितना हो गया e, तो मेरा आउटपुट क्या मिला फाइनली फॉर दिस रेंज ऑफ इनपुट फॉर e की पावर x, वन बाई e से e, तो फाइनली मेरा रेंज क्या हो जाएगा वन बाई e क्लोज से e क्लोज, क्लोज आएगा बिकॉज माइनस वन एंड वन आर ऑब्टेनेबल। ठीक है ना, साइन एक्स की वैल्यू माइनस वन और वन होती है, तो इधर भी हमारा क्लोज इंटरवल आएगा। देखो क्या बोला, एक बार और कंक्लूड कर देता हूं, देखो कहीं बच्चों को कंफ्यूज ना हो, मैंने क्या बोला, अगर x मेरा अल्फा से बीटा राइज कर रहा है तो एफ एक्स जो है, जैसे मैंने बोला कि इनपुट मेरा अल्फा से बीटा जा रहा है एफ एक्स के अंदर, तो मैं आउटपुट एफ ऑफ अल्फा से एफ ऑफ बीटा इन जनरल नहीं बोलूंगा। In some of the cases it will be true, but in general it is not correct. वो कब करेक्ट होगा, जब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, हमेशा इंक्रीज करेगा। ठीक है ना, चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम। देखना अब और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अब मैं एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के ऊपर ले लेता हूं। तो देखना मैंने लिया एग्जाम्पल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू। ठीक है, तो अगेन दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन जिसमें मेरा बाहर, लेट्स से अगर मैंने इसको एफ ऑफ जी एक्स बोला, लेट्स से दिस इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो मेरा जो एफ एक्स है वो क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और मेरा जो जी एक्स है वो मेरा हो जाएगा थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू। तो मैं क्या करूं, सबसे पहले जी एक्स का रेंज निकाल लेता हूं, तो जी एक्स का रेंज निकालने के लिए आई विल स्टार्ट विद साइन एक्स, नहीं तो साइन स्क्वायर एक्स से कर लो, साइन स्क्वायर एक्स का भी हमें रेंज पता है क्या होता है जीरो टू वन, तो इट इज जीरो क्लोज से वन क्लोज, साइन एक्स से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है ना, माइनस वन से वन, तो इसे स्क्वायर करेंगे तो जीरो से वन आएगा हमारा आउटपुट। फिर मैंने क्या किया, थ्री से मल्टीप्लाई किया, तो थ्री से पॉजिटिव नंबर, तो थ्री साइन स्क्वायर एक्स, इसका रेंज हो जाएगा जीरो इंटू थ्री थ्री, थ्री इंटू सॉरी जीरो इंटू थ्री जीरो एंड वन इंटू थ्री थ्री, तो जीरो से थ्री। अब मैं माइनस टू कर देता हूं, तो के सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो इधर भी के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू, इसका रेंज हो जाएगा जीरो माइनस टू विच इज माइनस टू एंड थ्री माइनस टू विच इज वन। तो मेरा ये क्या आया, जी एक्स का रेंज आया, तो दिस इज माई एल, जैसे मैंने डिफाइन किया था एल को, जी एक्स का रेंज बोला था। अब ये मेरा इनपुट जाएगा एफ एक्स में, और एफ एक्स क्या है मेरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, मतलब एक्स की जगह ये चीज मेरी जाएगी इस फंक्शन में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बना लेता हूँ एक बार। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया मैंने, तो देखो क्या बनेगा, और मैं उतना ही बनाऊंगा इस इंटरवल के लिए जितना जरूरी है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, माइनस टू, तो माइनस टू मेरा ये है, तो माइनस टू पे क्लोज है, तो ये हमारा क्लोज हुआ माइनस टू पे, से वन तक जा रहा है, तो दिस इज वन। तो देखो इसने, तो इसने ग्राफ का क्या क्या रीजन कवर कर लिया, तीन साइकिल कवर कर ली, और हमें पता है एक ही साइकिल अगर कवर हो जाती तो रेंज क्या हो जाता, जीरो टू वन, तो आंसर क्या होगा, जीरो टू वन। वैसे मैं मार्क कर देता हूं हमारा क्या क्या ग्राफ कवर हो गया इस इंटरवल में, एक तो ये पार्ट, एक ये ब्रांच इस ग्राफ की, एक ये ब्रांच इस ग्राफ की, दिस इज जीरो।
दिस इज वन। तो वाई एक्सिस में कितना प्रोजेक्शन आया, रेंज मतलब वाई एक्सिस पे कितना प्रोजेक्शन आएगा फॉर दिस इंटर, जो मैंने ग्राफ मार्क किया है उसका ये वाला पार्ट। सो दिस इज माई रेंज विच इज जीरो क्लोज से वन ओपन, दिस इज माई रेंज ऑफ एफ ऑफ जी एक्स। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, और बेटर होगा कि तुम लोग उसको खुद से ट्राई करो। ठीक है, तो मैं इसको, तुम लोग वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, और मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। इसको मैं मॉडिफाई, चलो इसको मैंने ऐसे ले लिया। अब देख रहा मैं मॉडिफाई क्या कर रहा हूँ, इसको डिवाइड आउट कर रहा हूँ लेट्स से 10 से, और मैं ये पूरा फ्रैक्शनल पार्ट पूरे पे है, पूरे पे है पूरा फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो मेरा एफ एक्स तो अभी भी यही रहेगा फ्रैक्शनल पार्ट, जी एक्स बस क्या हो जाएगा डिस डिवाइड बाई 10। क्लियर है? तो अगेन क्या करूं, मैं जी एक्स की रेंज निकालता हूँ, तो जी एक्स की रेंज निकालने के लिए वही साइन स्क्वायर एक्स से स्टार्ट किया, और बेटर क्या होगा अभी अगेन मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को खुद से ट्राई करो, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इतना आसान नहीं जितना इससे पहले वाला पार्ट था। तो साइन स्क्वायर एक्स 0 to 1, फिर 3 साइन स्क्वायर एक्स, मैं इधर ही लिख देता हूँ 0 to 3, और माइनस 2 करूंगा तो 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2, इसका रेंज हो जाएगा 0 - 2 - 2 से 3 - 2 विच इज 1। तो ये हमारा पहले आया था वही चीज है। अब इसमें एक और क्या मैनिपुलेशन लगेगा, डिवाइड बाई 10। अच्छा, डिवाइड बाई 10 इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग विद 1/10, और मुझे पता है के से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाता है, के अल्फा से के बीटा, और अगर k जब पॉजिटिव है तो इधर हमारा 1/10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं उसको, k इज 1/10 व्हिच इज अ पॉजिटिव नंबर। तो मैंने क्या लिखा, 1/10 इनटू 3 sin स्क्वायर x माइनस 2, इसका रेंज क्या हो जाएगा k अल्फा से k बीटा, तो -2/10, तो -1/5 और 1/10, ये 1/10 हो गया। ठीक है, अब ये क्या होगा, मेरा रेंज हो गया अंदर वाले फंक्शन का लेट से l। अब ये मेरा इनपुट जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को, तो देखना मैं कैसे लिख रहा हूं, नाउ दिस विल बी इनपुट। तो पहले मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बना लेता हूं, आप ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत से बच्चे लोग इसमें गलती करते हैं, फॉर दिस इनपुट वो रेंज गलत लिखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, पता नहीं क्यों लिखते हैं, बट सिंपल है थोड़ा सा ट्रिकी है। देखना मैंने क्या लिखा, पहले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया, एक दो साइकिल बना देता हूं जो जरूरत है जितनी, एक तो ये साइकिल बना दी और एक लेट से ये साइकिल बना दी, ये हो गया -1, ये 0, और इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, लेट से ये हो गया हमारा 1। ठीक है, अच्छा अब इनपुट क्या है मेरा, -1/5, तो -1/5 मेरा इधर कहीं लाई करेगा, -1/5, ओके चलो इसको थोड़ा सा और दूर बनाते हैं, दिस इज माय -1/5, और ये मेरा है 1/10, तो 1/10 मेरा और पास होगा इसके 1/10। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, अब मेरा इनपुट ये है, तो मैं इसको मार्क कर देता हूं इधर एक बार, दिस इज माय इनपुट, दिस इज माय इनपुट। ठीक है, अब इस इनपुट के लिए मेरा वाई ग्राफ का कौन सा रीजन है पहले वो मार्क कर लेता हूं, फिर मैं उसका प्रोजेक्शन देखूंगा वाई एक्सिस पे। तो फॉर -1/5 से 0 जो मेरा ब्रांच ग्राफ कवर हो रहा है, देखना मैं मार्क कर रहा हूं, दिस इज माय ग्राफ जो मैंने अभी मार्क कर रहा हूं करेंटली, दिस इज माय ग्राफ फॉर -1/5 से 0, एंड फॉर 0 से 1/10, 0 से 1/10 ग्राफ विल बी दिस, ग्राफ विल बी दिस जो भी मैं मार्क कर रहा हूं करेंटली, समझ में आया? अच्छा, अब मुझे पता है कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ये भी मैं तुम लोगों को बोला याद रखने को, दिस इज वाई इज इक्वल टू एक्स, और इसकी भी बोली है, किसकी, इस लाइन की, क्या बोला था हमने, दिस इज वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अच्छा अब सुनना, एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं, बेसिकली आई एम फाइंडिंग दिस वैल्यू, दिस एंड दिस। ठीक है, अब सुनना, पहले मैं इसकी इसको निकाल रहा हूं, तो देखना ये लाइन की कर्व की इक्वेशन क्या, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसमें अगर मैंने -1/5 डाला तो 1 - 1/5 इज 4/5 विच इज 0.8, तो ये हो गया मेरा 0.8। ये क्या है मेरी वाई इक्वल टू एक्स, अगर ये 1/10 है मतलब 0.1, तो ये वाली मेरी वैल्यू कितनी हुई, 0.1। क्लियर है? अब ध्यान से देखना बच्चों, अब देखो ग्राफ ने कितना कवर किया, तो देखो मैं मार्क कर रहा हूं, एक तो यहां से यहां तक का रीजन, एक मिनट एक काम करता हूं, मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ये वाला रीजन कवर किया और वाई एक्सिस पे ये वाला रीजन कवर किया, तो ये वाला रीजन मेरा क्या हो गया, दिस इज 0.8 से 1 ओपन, ऑफकोर्स 1 पे ओपन रहेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 तो होता नहीं है, वो ओपन सर्कल है, और ये जो वर्टिकल जितना सा पार्ट है विच इज 0 से 0.1, तो यूनियन, चलो इस साइड लिख लो चाहे इस साइड लिख लो, 0.1।
एंड अगेन जीरो पे क्लोज आएगा और 0.1 पे भी क्लोज आएगा इधर। तो क्लियर हुआ, मैं इसको बेटर तरीके से लिख रहा हूं, इसको पहले लिखता हूं, करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इज 0 से 0.1 यूनियन, 0.8 से 1 क्लोज, सॉरी 1 ओपन, बाकी सब जगह क्लोज है, इधर ओपन है। क्लियर हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने बोला था, थोड़ा सा ग्राफ का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, ठीक है, इसलिए हमें तुरंत नहीं बोलना है कि इनपुट ये जा रहा है तो डायरेक्टली इनपुट उसमें रख दिया ग्राफ में, तो गड़बड़ हो जाती ना, अगर मान लो तुम ये इनपुट डायरेक्टली तुम इस फंक्शन में रख देते, जैसे मैंने बोला कि अगर अगर इनपुट अगर अल्फा से बीटा है तो हम डायरेक्टली रेंज नहीं बोलेंगे एफ अल्फा से एफ बीटा, ठीक है ना, फर्स्ट वी विल सी कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, हमेशा इंक्रीज कर रहा है, तब बोल सकते हैं, बट यू कैन सी ये फंक्शन हमेशा तो इंक्रीज नहीं कर रहा, यहां से यहां तक इंक्रीज किया फिर ये नीचे चला गया फिर दोबारा इंक्रीज किया, इसलिए ये दिक्कत हो रही है, इसलिए वी कैन नॉट डायरेक्टली लाइक एफ अल्फा से एफ बीटा। आई होप समझ में आया होगा, मैंने बहुत स्ट्रेस दिया इस पॉइंट पे, ठीक है ना। चलो तो फिर अब हम नेक्स्ट मेथड पे इसके बाद जंप करते हैं, तो तुम लोग वीडियो पॉज करो और इसको अच्छे से कॉपी करो, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो पूछो मुझसे, ठीक है ना, कोई भी डाउट कैरी नहीं करना है तुम लोगों को, ठीक है, तो ठीक है फिर कॉपी करो तुम। हाँ तो अब हम क्या देखते हैं, रेंज का एक दूसरा कैटेगरी का क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज रेंज इन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, तो लिख लो इधर रेंज इन, बहुत छोटा सा पॉइंट है, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, इसका मतलब क्या हुआ पहले वो देखते हैं, जैसे मान लो मुझे किसी ने बोला साइन एक्स की रेंज कितनी होती है, तो हम क्या बोलेंगे, साइन एक्स की रेंज इज, साइन एक्स का रेंज इज -1 से 1। अभी तो मैंने क्या दिया, डोमेन ऑल रियल वैल्यूज दिया, अब क्या करा, अब मैंने ऐसे बोल दिया कि नहीं साइन एक्स की रेंज 0 से पाई बाई 2 कितनी होती है, तो मैंने क्या किया, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, डोमेन 0 टू पाई बाई 2 बोल रहा हूं, तब मैं क्या बोलूंगा, साइन एक्स का रेंज क्या हो जाएगा, 0 से 1। समझ में आया, मतलब मैं डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके बोलूंगा उस इंटरवल ऑफ एक्स के लिए उस फंक्शन का रेंज क्या है, ठीक है, तो जो भी हमने स्टैंडर्ड फंक्शंस पढ़े वो तो हम क्या बोलते हैं, उनका रेंजेस जो मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा एल एन एक्स का रेंज इज ऑल रियल वैल्यूज, आर होता है, दैट आर इज फॉर ऑल रियल नंबर ऑफ एक्स, उसमें मैंने एक्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, अगर उसी को मैं बोल दूं लेट से वन से लेके लेट से फाइव, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ln1 से लेके ln5, क्योंकि ln x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ln1 विच इज 0 और ln5 आ जाएगा हमारा, तो रेंज क्या हो जाएगा, 0 से ln5, तो वही चीज हम देख रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला साइन एक्स का रेंज इन द इंटरवल 0 to π/2, इट इज 0 to 1, और अगर कुछ नहीं बोला, सिंपली बोला साइन एक्स का रेंज क्या है, तो एल से -1 से 1, क्लियर है, तो इसके आधार पर एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं हम, मैंने लिखा फाइंड, लिख लो फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, यही ले लेते हैं साइन एक्स, इन द इंटरवेल लेट से -1 से 1 -1 से 2, लेट से मैंने बोला एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का रेंज निकालो फॉर दिस इंटरवेल, तो अगेन मैंने दोबारा बोल रहा हूं, मैं बहुत बार इससे पहले भी बोल चुका हूं, बहुत बार डायरेक्टली हम नहीं लिखेंगे साइन ऑफ -1 से साइन ऑफ 2, विच इज रॉन्ग, वो जब लिखते हैं जब हमारा इस इंटरवेल के लिए फंक्शन कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, बट अभी हमें पता नहीं ना इसके लिए क्या सीन है, वो हम देखेंगे पहले किससे ग्राफिकली देखेंगे कि इस इंटरवल में साइन एक्स का ग्राफ क्या हो रहा है, उसका फिर प्रोजेक्शन देखेंगे वाई एक्सिस पे क्या है, दैट इज नथिंग बट अ रेंज, तो देखना मैं क्या लिख रहा हूं, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का पहले ग्राफ बनाया मैंने, दिस इज माई वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, अच्छा नेगेटिव भी चाहिए तो एक साइकिल इधर बना ली मैंने, ठीक है देखना ध्यान से, अब माइनस वन जो है मेरा, तो पहले मैं कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कर देता हूं, लेट्स सी दिस इज -π/2, दिस इज 0 एंड दिस इज π/2 एंड दिस इज पाई, जितना मुझे जरूरत है उतना मैंने मार्क कर दिया जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, अब मैं -1 और 2 को लोकेट करूंगा इधर, तो -2 जो है वो 0 और -π/2 के बीच में लाई करेगा, सो इट विल बी समवेयर हियर, लेट्स सी दिस इज -1, और जो 2 है वो π/2 के बाद लाई करेगा, तो 2 विल बी हियर, तो अब देखना ग्राफ ने क्या रीजन कवर किया, मैं मार्क कर देता हूं, देखो -1 से लेके मतलब ये वाला रीजन, यहां से स्टार्ट किया, ये पूरा कवर होता जा रहा है, ये पूरा कवर हो गया पूरा ऊपर तक चला गया, फिर लेकिन वो यहां तक जाना है इस पॉइंट तक, तो ये पूरा कवर होते यहां तक आ गया, तो अब बाकी का जो ग्राफ मुझे नहीं चाहिए वो मिटा देता हूं एक मिनट के लिए, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, तो ये हो गया मेरा ग्राफ जो मैंने अभी मार्क करा हुआ है, दैट इज फॉर दिस इंटरवल ऑफ एक्स, अब मैं इस ग्राफ का प्रोजेक्शन देख लेता हूं वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, अगर ये -1 है और ये फंक्शन साइन एक्स है, तो ये एक्स की जगह -1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ -1 विच इज -sin1, This is minus of sine 1. और ये मेरा 2 है, तो मेरा ये चीज तो हो जाएगी sine 2, बट मेरा ये टॉप वाला क्या है, sin x कर रहे थे, दिस इज 1,
तो इस कर्व ने y एक्सिस पे प्रोजेक्शन कितना किया, क्रिएट किया, मतलब y एक्सिस कितना कवर किया, माइनस साइन वन से वन, साइन टू नहीं बोलेंगे, अगेन तुम्हारा इतना छूट जाएगा फिर पार्ट, क्लियर है। तो इसके हिसाब से मेरा रेंज क्या हो जाएगा, रेंज विल बी माइनस ऑफ साइन वन, माइनस ऑफ साइन वन पे भी क्लोज आएगा बिकॉज इनपुट पे था माइनस वन पे क्लोज है, तो माइनस ऑफ साइन वन कॉमा साइन टू नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वन, तो दिस विल वन, तो ये हो जाएगा मेरा रेंज ऑफ साइन एक्स इन दिस इंटरवल, क्लियर है बच्चों। तो कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है, बस हमें याद रखना है डोमेन देखना है कि किस इंटरवल में उसने पूछा है, डायरेक्टली हम नहीं लिखेंगे साइन एक्स के रेंजेस माइनस वन टू वन। हाँ, अगर एक पूरी साइकिल कवर हो रही होती इसमें, अगर इस इंटरवल में एक पूरी साइकिल साइन एक्स की कवर हो रही होती तब मैं इसका आंसर बोलता अपना आउटपुट इज माइनस वन टू वन, बट इस इंटरवल के अंदर साइन एक्स की देखो पूरी साइकिल, एक पूरी साइकिल कवर नहीं हो रही, अगर एक पूरी साइकिल कवर हो जाती तो वो आउटपुट कितना देता, माइनस वन से वन, क्लियर हो बच्चा, एडिशनल पॉइंट है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन इन रेंज, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, एक छोटा सा पार्ट था ये, अब देखना, अब हम देख रहे हैं किस टाइप का ग्राफ, लीनियर अपॉन लीनियर, तो बताता हूं पहले मैं एग्जांपल, उसके बाद हम देखो क्या है, मैंने लिखा चलो इसको थर्ड या फोर्थ कैटेगरी हमारे रेंज की, तो लीनियर L1 ऑफ x अपॉन L2 ऑफ x, ठीक है, तो इसको लेट्स से जनरलाइज, तो मैंने लिख लिया ax plus b अपॉन cx plus d, मतलब इसका मुझे ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो बेटर क्या होगा, पहले मैं इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, पहले हम एक प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे इसको और फिर मैं इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा, तो मैं शॉर्टकट याद रखना है फॉर फास्ट कैलकुलेशन, अभी मैं इसका लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ विच इज प्रोसीजरल, मतलब उसमें हमारा क्या यूज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स जो हम पहले पढ़े हुए हैं, तो एक एग्जांपल के स्टार्ट करते हैं, हम एग्जांपल ही ले लेता हूं मैं डायरेक्टली, एफ एक्स इज इक्वल टू लेट से मैंने लिया 2x plus 3 upon x plus 1, लेट से ये ले लिया मैंने माइनस वन टू, ठीक है, लेट से इसका ग्राफ मुझे बनाना है, तो मैं कैसे स्टार्ट करूं, देखना ध्यान से बच्चों, क्या किया हमने स्टार्ट करने के लिए, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था कि हम क्या करेंगे, जैसे मेथड जो बेसिक मैनिपुलेशन सीखा था हमने, जो पहला मेथड था हमारा रेंज का, उधर मैंने बोला था जो वेरिएबिलिटी पार्ट है ना वो मुझे कम से कम जगह चाहिए, वही चीज इधर यूज करूंगा मैं, तो आई वॉन्ट एक्स टू बी एट द मिनिमम प्लेस बिकॉज एक्स इज अ वेरिएबल पार्ट, तो क्या किया था हमने न्यूमरेटर को डिनोमेटर की तरह बनाते, जैसे उधर भी हमने एग्जाम्पल लिया था एक आध एग्जाम्पल इस टाइप का, तो क्या लिखूंगा मैं ऊपर जबरदस्ती मैंने एक्स प्लस वन लिखा, अब मैंने टर्म्स को लिखा, मुझे इधर क्या चाहिए 2x चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर मेरा 2 आ गया, मुझे 3 चाहिए था, तो क्या लिखा प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, देखो बराबर लिखा है या नहीं लिखा, क्या लिखा है 2x प्लस 2 प्लस 1 3 हो गया, 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1, करेक्ट है, अब क्या किया सेपरेट कर दिया, सो दिस विल बी 2 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, क्लियर है, सेपरेट करके ये लिखा, अब देखो वेरिएबिलिटी कम जगह आ गई, केवल एक जगह पता, एक जगह आ गई, अब हम स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करें, अब इसको भी स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं y is equal to 1 by x से स्टार्ट करते हैं, मतलब y is equal to 1 by x हमें स्टैंडर्ड फंक्शन है, y is equal to 1 by x, this is a basic function, basic graph में बताया है, ठीक है ना, इस टाइप का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मैंने क्या लिखा था 1 upon x की इवन ऑड पावर, 1 upon x, 1 upon x की इवन upon x की पावर 5, याद है x की पावर n में लिखवाया था ये, तो ये जो कर्व होता है दिस इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है हमारा ऐसा कुछ, तो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर है वैसे सी इज वन, तो इससे स्टार्ट करेंगे हम, आप देखना अब मैं मेरे को फाइनली यहां तक पहुंचना है, तो मैं क्या करूं पहले ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाऊं मैं इसमें, आप देखना मैं इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूं एक्स की जगह एक्स प्लस वन, तो क्या होगा ग्राफ वन यूनिट से पीछे की साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो मेरा आउटपुट क्या मिलेगा वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस वन, अब क्या करूं मैं ये क्या है टू यूनिट्स, अब ऐसा है दिस y is equal to है, तो y अब इस अब क्या होगा हमारा, हमें क्या करूंगा y को रिप्लेस करूंगा y माइनस टू से, तो y माइनस टू से करूंगा तो y माइनस टू इज इक्वल टू ये आएगा, तो y कितना आएगा वन टू प्लस टू प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो आ गया हमारे दो ही ट्रांसफॉर्मेशन लगे, बहुत छोट में ही कन्वर्ट हो गया हमारा, इससे क्या होगा पीछे की तरफ एक यूनिट आएगा, y को y माइनस टू रखने से टू यूनिट्स ऊपर की तरफ खिसकेगा, क्लियर है बच्चों यहां तक समझ में आया, बस अब ये ट्रांसफॉर्मेशन तुम लोग लगाओ, वीडियो पॉज करके मैं इसको इधर ही लिखता हूं बनाता हूं, तो मैं इसको इधर लिख लेता हूं, हमारा ओवरऑल कर्व था 2x plus 3 upon x plus 1, ठीक है चलो अब देखना स्टार्ट करें,
ग्राफ तो ऐसा होता है, ये तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बहुत पढ़े, प्लस इधर भी बताया बेसिक ग्राफ में। अच्छा उसके बाद अब मैं क्या करूं, एक्स को एक्स प्लस वन से शिफ्ट किया, मतलब जब x को x प्लस a से करते हैं तो a यूनिट्स पीछे की साइड आता है, तो a यूनिट्स पीछे की साइड आएगा, तो अभी एस एम टूट क्या है मेरा y एक्सिस, विच इज x इज इक्वल टू जीरो। अब ये इधर खिसक जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस वन। तो अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, तुम लोग अलग से ग्राफ बनाओ, मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ, क्या चेंज कर रहा हूँ देखना, थोड़ा सा चेंज होगा, मत ये जो कर्व है जब इधर शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा एस एम टूट क्या होगा माइनस वन, दिस इज माइनस वन, और मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस इधर आ जाएगी, मैं इधर ही चेंज कर रहा हूं। अगेन आई एम सेइंग यू हैव टू मेक अ सेपरेट ग्राफ, क्लियर है बच्चों, समझ में आया ये क्या हुआ। अब क्या हो गया, ये मेरा कहां तक आ गया, वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस वन। अब क्या करूं मैं, टू यूनिट्स ऊपर से किसका देता हूं, तो अगेन यू हैव टू मेक इट सेपरेटली, मैं इसी में चेंज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं देखना, जब मैं टू यूनिट्स ऊपर खिसकाऊंगा तो क्या होगा, वाई एक्सिस नीचे आ जाएगा, एक्स एक्सिस नीचे आ जाएगा, तो मैं इसको इधर हटा के आई एम चेंजिंग इट हियर ओनली, सॉरी हाँ इधर ही मैं इसको कर देता हूं, ये मेरा हो जाएगा एस एम टोट, और मेरा वाई एक्सिस, एक मिनट चलो एक काम करते सेपरेटली बनाते हैं इसको, ये मेरा अभी क्या था, दिस इज माई एक्स एक्सिस एक्चुअली, x एक्सिस ठीक है, और ये मेरा y एक्सिस था, दिस इज y एक्सिस, और y ये कर्व था y इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 का एट प्रेजेंट, ठीक है। चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, सेपरेटली बना देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा, तो मैं इस पार्ट को रब कर देता हूं, किसको, इसको रब कर देता हूं, ये अपना कंप्लीट हो गया। अब मैंने बोला y को y माइनस 2 से किया, तो अब देखना क्या हुआ, ये मेरा ग्राफ है इसका, अच्छा एक एसिम्प्टोट ये माइनस 1 वाली, माइनस 1 वाली, ठीक है। अब देखना क्या होगा, हाँ अब ये जब मैं इस कर्व को टू यूनिट्स ऊपर खिसकाऊंगा, देखना ध्यान से, मैं इस कर्व को ऊपर खिसकाऊंगा तो y एक्सिस, x एक्सिस मेरा नीचे आएगा, तो अब देखना ये मेरा x एक्सिस है, x एक्सिस, कंफ्यूज नहीं होना हमें, और अब मेरा एस एम टोट क्या होगा, y इज इक्वल टू 2, और मेरा ग्राफ था ऐसा, देखो चलिए मैं दूसरे कलर से मार्क कर देता हूं, ग्राफ मेरा क्या है, ये वाला पार्ट, जो मैंने मार्क कर रहा हूं अभी, दिस इज माय ग्राफ, देखो एस एम टोट तो मेरा y इज इक्वल टू 2 है, 2 यूनिट्स ऊपर खिसकाया ना मैंने, अब देखो इस एक्सिस, इस ग्राफ को ऊपर 2 यूनिट्स खिसकाओगे तो देखो यही आएगा, और ये मेरा, ये वाली लाइन क्या है मेरी, माइनस 1 एस एम टोट। तो क्लियर हुआ कैसे किया हमने, वीडियो पॉज करो और कॉपी करो। अब मैं इसका क्या कर रहा हूं, शॉर्टकट बता रहा हूं, ठीक है ना, शॉर्टकट बता रहा हूं, मेरा ग्राफ रेडीमेड इधर बना है, फिर हम वेरीफाई कर लेंगे करेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूं, तुम लोग कॉपी करो। अब सुनना क्या किया मैंने, हमें दो चीजें याद रखनी है, देखो क्या कि सबसे पहले तो मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखो इसको क्या किया हमने, पहले दो एसिम्प्टोट बनाएंगे हम, कौन कौन सी, एक तो एसिम्प्टोट बनाएंगे हम डिनोमिनेटर जब जीरो हो रहा है, डिनोमिनेटर जीरो का हो रहा है x इज इक्वल टू माइनस वन पे, तो मैंने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन बनाई x इज इक्वल टू माइनस वन पे, दिस इज x इज इक्वल टू माइनस वन, दिस इज x इज इक्वल टू माइनस वन। अच्छा अब दूसरी लाइन क्या बनाई, क्या करो तुम, हम क्या देख रहे हैं ना, इसका इसमें जो x का कोफिशियंट है ना उसका रेशियो देखो, तो इधर क्या आएगा 2 अपॉन 1 व्हिच इज 2। अब y इज इक्वल टू 2 लाइन बनाओ एक हॉरिजॉन्टल, तो एक क्या बनाई मैंने y इज इक्वल टू 2, सब में एप्लीकेबल है, मैं जनरलाइज भी करके लिखूंगा इसको, दिस इज y इज इक्वल टू 2। अब एक मिनट के लिए तुम क्या करो, कोऑर्डिनेट एक्सिस को भूल जाओ, ये वैसे मेरा ये क्या था, x एक्सिस था, ये मेरा y एक्सिस था, ठीक है। अब मेरा क्या बोला मैंने, जब तुमने दो चीज बना दी, एक तो क्या बनाई x इज इक्वल टू माइनस 1 डिनोमिनेटर को जीरो करके, और एक मैंने बोला x के कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या आ रहा है 2 अपॉन 1 व्हिच इज 2, y इज इक्वल टू 2 लाइन बनाई। अब क्या करो, एक मिनट के लिए एक्स और वाई एक्सिस को भूल गए, जस्ट फोकस ऑन दिस जेड डैश लाइन, दैट इज एसिम्प्टोट्स, इन दो एसिम्प्टोट्स ने चार रीजन में डिवाइड कर दिया पूरे प्लेन को, एक्स वाई प्लेन को, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4। अब क्या होगा, इन ऑल द केसेस जो भी ग्राफ होगा हमारा, उसमें क्या होगा, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा और वो अपोजिट क्वाड्रेंट में आएगा, तो देयर इज टू पॉसिबिलिटी, एक तो ये पॉसिबिलिटी है,
एक जो मैंने ब्लैक कलर से बनाई और एक और मैं बना देता हूं, देख रहा हूं। एक पॉसिबिलिटी ऐसी है, या तो ये वाली, देखो ये चलो मार्क कर देता हूं, या तो ये रेड वाली, दिस इज वन फर्स्ट पॉसिबिलिटी, या फिर ये ब्लैक वाली, दिस इज सेकंड पॉसिबिलिटी जो मैं अभी लिख रहा हूं, इन दोनों में से एक होगी। अब वो पहचानने के लिए क्या करेंगे, हम क्या देखेंगे, कोई भी एक पॉइंट रख के देख लेंगे। लेट्स से मैंने x is equal to 0 रखा, तो इसमें मैं x is equal to 0 रखूंगा तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो x is equal to 0 मतलब ये वाली वर्टिकल लाइन, तो ये वाली वर्टिकल लाइन पे ग्राफ कौन सा आ रहा है, दिस इज y is equal to 2, तो क्या आना चाहिए, 3। तो ये वाला, इसका मतलब ब्लैक वाला ग्राफ है, रेड वाला नहीं होगा, बिकॉज रेड वाला तो इधर इधर कट कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, 2 से कम होगा। तो कोई भी एक रीजन देख लिया, एक पॉइंट डाल के देख लिया कि ये वाला कर्व है या ये वाला कर्व है। क्लियर है बच्चों, क्या हुआ हमारा, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, इसको मैं और एग्जांपल समझा देता हूं एक बार, ठीक है ना। आई विल टेक सम मोर एग्जांपल ऑन दिस। तो देखना, जैसे मैं क्या किया, देखो एक बार पहले, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, जनरलाइज लिख लेता हूँ इसके लिए, किसके लिए, ax plus b upon cx plus d के लिए। तो क्या करूंगा मैं, जनरल प्रोसीजर क्या होगा मेरा, देखना क्या होगा मेरा प्रोसीजर। सबसे पहले मैं डिनोमीटर जीरो करूंगा, तो उधर से क्या आया मेरा, x is equal to minus b by c, तो x is equal to minus d by c, या तो इस साइड होगा या इस साइड होगा, that depends c और d क्या है। तो मैंने मान लिया एक मिनट के लिए, this is x is equal to minus d by c, फिर मैं मानूंगा x, x के coefficients का ratio, which is a by c, तो y is equal to a by c line बनाऊंगा, let's say इधर आया, again that can also come downward also, that depends a और b क्या है। तो ये मेरा लाइन आ जाएगा y is equal to a by c। अब डेड डैश वाली लाइन पे फोकस करो, दैट इज एसएम रूल्स पे। तो हमारे दो पॉसिबिलिटी है, या तो ग्राफ ऐसे होगा या फिर ग्राफ ऐसे होगा, इसको दूसरे कलर से कर देता हूं मार्क, या तो ऐसे होगा। वो अगेन किस बात पे डिपेंड कर रहा है, वो हम कोई भी एक पॉइंट रख के देख लेंगे इसमें। दैट सबसे बेस्ट पॉइंट होता है एक्स इज इक्वल टू जीरो रखना। एक्स इज इक्वल टू जीरो रखो तो बी बाई डी आएगा, फिर देख लो बी बाई डी जो है वो ए बाई सी से बड़ा है या छोटा है। अगर छोटा है बी बाई डी तो मेरा ये वाला कर्व होगा, अगर बी बाई डी ए बाई सी से बड़ा है तो मेरा ये वाला कर्व होगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया, तो कॉपी करो इसको। मैं अब एग्जाम्पल ले लेता हूँ और इसके बेसिस पे। अच्छा एक चीज और, जैसे इसी के आधार पे मैं एक चीज और ऐड लिख लेता हूँ इसमें, इस टाइप का फंक्शन की मैं डोमेन और रेंज और लिख लेता हूँ। तो दिख रहा है मेरा डोमेन क्या होगा, देखो ये लीनियर अपॉन लीनियर हमेशा डिफाइन है, एक्सेप्ट जब डिनोमीटर जीरो हो रहा है, और डिनोमीटर जीरो कब हो रहा है मेरा, माइनस डी बाई सी पे। तो एक्सेप्ट माइनस डी बाई सी आई कैन पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, तो रेंज क्या, डोमेन क्या हो जाएगा, आर माइनस कर्ली ब्रैकेट माइनस डी बाई सी, दिस इज व्हाट डोमेन। अब रेंज पे आ जाते हैं, अब तुम्हें ग्राफिकली दिख रहा है कि पूरी वाई एक्सिस कवर कर रखी है इस ग्राफ ने, एक्सेप्ट दिस 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 वैल्यू, बिकॉज दिस इज एसिम्प्टोट। ये जो ग्राफ है, लेट्स से मैंने बोला ब्लैक वाला ग्राफ है, एक मिनट के लिए रेड वाले को हटा दिया, मैंने कहा मेरा ब्लैक वाला आया मान लो ग्राफ, तो यू कैन सी कि इस ब्लैक वाले ग्राफ का अगर मैं प्रोजेक्शन लूँ वाई एक्सिस पे, तो पूरी रियल वैल्यूज कवर हो जाएंगी एक्सेप्ट दिस, बिकॉज ये तो एसिम्प्टोट का है ग्राफ, इसको मैं तो अप्रोच करेगा कभी, इसको टच तो कर नहीं पाएगा। तो रेंज क्या हो जाएगा मेरा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ए बाई सी, तो ये पॉइंट भी एड कर लो इसमें, ठीक है ना। अगर इस टाइप का कर्व दे रखा है तो हमें ग्राफ वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आई कैन से रेंज क्या होगा, आर माइनस जब डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, और रेंज क्या हो जाएगा हमारा, आर माइनस एक्स का कोफिशियंट्स का रेशियो, विच इज ए बाय सी। क्लियर है बच्चों, चलो अब एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, फिर हम इसके बाद कुछ और मेथड्स देखेंगे। अब देखना, एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वन और थ्री माइनस फोर एक्स प्लस थ्री अपॉन वन और टू, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ये दिया मैंने तुम्हें कर्व। देखने में तो ये अभी मेरे को क्या लग रहा है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है, बट इसको ध्यान से सॉल्व करो, तुम लोग वीडियो पॉज करो एक बार खुद से ट्राई करो इसको, ठीक है। अब मैं इसको डिस्कस करता हूँ, तो पहला काम क्या होगा, हम क्वाड्रेटिक देखेंगे कि इसके रूट्स क्या क्या है। तो इसका ऑब्जर्वेशन से रूट पता चल रहा है, तो सम ऑफ द रूट इज फोर, प्रोडक्ट इज थ्री, तो वन एंड थ्री इज द रूट, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री। सिमिलरली नीचे वाला, सम ऑफ द रूट इज थ्री, प्रोडक्ट इज टू, तो वन एंड टू आर द रूट्स, तो इसका क्या लिखूंगा, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस सॉरी x माइनस टू। क्लियर है, यह आया हमारा। अच्छा अब सोचो, ये इस एक्सप्रेशन के बिल्कुल इक्विवेलेंट है, कैन आई से कि ये ऊपर वाला इसके बराबर है, x माइनस थ्री अपॉन x माइनस टू, कैन आई से दीस बोथ आर इक्वल, नहीं,
नहीं, क्यों? क्योंकि इस वाले में, नीचे वाले में हम x = 1 रख सकते हैं, क्या हम ऊपर वाले में 1 रख सकते हैं? नहीं, 1 रख दिया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना, और न्यूमरेटर भी 0 हो जाएगा, तो 0 / 0 तो अनडिफाइंड होता है मैथमेटिक्स में, डिनोमिनेटर में 0 मतलब अनडिफाइंड, न्यूमरेटर में कुछ भी उससे मतलब नहीं है। तो इसका मतलब these two, इधर लिख लो, these two are not equivalent, these two आर नॉट इक्विवेलेंट, एकदम सेम चीज नहीं लिखी है। आगे हम पढ़ेंगे एक आइडेंटिकल फंक्शन, उसमें क्या होता है, दो फंक्शन को आइडेंटिकल कब बोलते हैं, जब एग्जैक्टली सेम हो उनका ग्राफ, मतलब सब कुछ सेम लिखा हो, मतलब डोमेन रेंज वगैरह सब कुछ सेम है, बट क्या ये दोनों आइडेंटिकल है? नहीं, आइडेंटिकल नहीं है, बिकॉज यू कैन सी इसका डोमेन अलग है, इसका डोमेन अलग है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब सुनना, इवन रेंज भी अलग आएगा, अभी देखेंगे हम। तो अब मैं क्या लिखूं, मतलब इसको मुझे ऐसे लिखना है, तो व्हाट कंडीशन शुड आई ऐड? आई विल ऐड, अब मैं बोल रहा हूं इन दोनों को बराबर करना है, तो इधर कुछ लिखना पड़ेगा, वो क्या लिखना पड़ेगा, कॉमा एक्स नॉट इक्वल टू वन। अब ये दोनों इक्वल है, अब इसको हटा देता हूं मैं, तुम लोग लिख लेना इस वाले पार्ट को, मैं इसको रब कर रहा हूं। मैंने क्या बोला कि इस वाले को मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस लिख दिया एक्स नॉट इक्वल टू वन, मतलब इसमें एक्स इक्वल टू वन नहीं डालना, अलाउड नहीं है, बिकॉज मैं इसको ऐसे मान के लिख रहा हूं। तो व्हेन आई एम कैंसिलिंग, वैसे भी लिखते हैं ना, इस फैक्टर को इससे कैंसिल किया, तो आई शुड राइट एक्स नॉट इक्वल टू वन। चलो, अब मुझे ग्राफ बनाना है इसका, इसका तो मुझे पता है, बस एक्स नॉट इक्वल टू वन हमें हटाना है। तो क्या किया, पहले इसका ग्राफ बना लिया, तो शॉर्टकट से बना रहा हूं मैं। क्या करेंगे शॉर्टकट में, डिनोमिनेटर कब जीरो हो रहा है, x = 2 पे, तो y = x = 2 एक asymptote आएगा, this is x = 2, फिर मेरा आया x के coefficients का ratio which is 1, तो y = 1 लाइन आएगा, which is this one, this is y = 1। अब मेरे अगेन दो पॉसिबिलिटी है, इन asymptotes को देखूं तो इसने पूरे प्लेन को दो चार रीजन में डिवाइड किया है, तो या तो इन दोनों रीजन में कर्व आएगा या फिर इन दोनों रीजन में आएगा, वो डिपेंड करेगा कि हमारा कोई भी एक पॉइंट रख के देख लेते हैं। तो मैंने x = 0 रखा, तो क्या है 3/2 आया, तो x = 0 पे दिस इज लाइन y = 1। तो देखो मैंने क्या बोला था कि दो पॉसिबिलिटी है, एक तो मेरी ये पॉसिबिलिटी है जो मैं बना रहा हूं ब्लैक से, और एक मेरी पॉसिबिलिटी है जो मैं अब बना रहा हूं ये वाली, ठीक है। अब सुनना, मैंने बोला x = 0 पे y की वैल्यू 3/2 आ रही है, तो या तो ये वाला होगा ये, तो मैंने x = 0 पे 3/2 दिस इज y = 1, तो 0 पे 3/2 आना चाहिए, तो ऊपर वाला होगा, इसका मतलब ये वाला कब होगा, क्योंकि ये वाला रीजन, ये तो 3/2 से ये तो 3/2 होगा नहीं ना, बिकॉज ये तो y = 1 से कम है, तो इसलिए मैंने इसको रब कर दिया। समझ में आया कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे इन दोनों पॉसिबिलिटीज में? अब ये ब्लैक वाला कर्व मेरा आंसर हो गया इतने पार्ट का, अभी मैं इसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया मैंने इसमें, अब मैं इसको लगा रहा हूं। अब मैंने बोला x = 1 मैं नहीं रख सकता, तो x = 1 पे क्या आएगा, ओपन सर्कल, तो x = 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक है, तो x = 1 मेरा इधर आएगा, दिस इज माय x = 1, ठीक है ना, लेट्स से दिस इज माय x = 1। अब x = 1 पे हॉलो सर्कल आएगा, इसका मतलब क्या होगा, हमें ग्राफ में क्या चेंज करना पड़ेगा, इधर हमें हॉलो रखना पड़ेगा, मतलब ये वाली वैल्यू भी मिलेगी नहीं हमें y की, विच इज 3/2। क्लियर हुआ बच्चों? तो ओवरऑल ग्राफ क्या हो गया, ये रेड वाला, पर इधर हमारा हॉलो सर्कल आएगा, तो मैं इधर बेटर तरीके से बना देता हूँ, देखना क्या लिखा मैंने, x = 1 पे ओपन सर्कल आएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगी वो भी नहीं आएगी, जब हम 1 रख ही नहीं सकते, तो 1 आएगा भी नहीं, 1 के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा वो आएगा भी नहीं। सो दिस इज द एक्चुअल ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, 1 नहीं रख सकते, याद रखना, अगर मान लो ये चीज नहीं होती, केवल x not equal to minus 1, sorry, x is equal to 1 नहीं होता इसमें, तब तो मैं पूरा बनाता रेड वाला, बट मैंने लिखा है x not equal to 1, therefore I have to put here hollow. हॉलो बनाया, इसका मतलब 1 नहीं रख सकता, इसका मतलब 3/2 भी नहीं मिलेगी मुझे वैल्यू। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, फिर हम इसमें कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ अलग कैटेगरी के रेंज के क्वेश्चंस, ठीक है, इसके बाद।